तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं फैंटेसी स्पोर्ट्स स्पाई यूट्यूब चैनल और मैं हूं गौरव। और दोस्तों जो आज हम वीडियो कवर करने वाले चैनल में वो रहेगा ललीगा का मैच एलेविस वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड के बीच। इस मुकाबले का करते हैं डिटेल एनालिसिस। और दोस्तों अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जुड़ जाइए, सभी मैचेस की फाइनल टीम आपको वहीं मिलती है। और जो मैचेस मैं वीडियो के थ्रू कवर नहीं करता हूं तो उनकी डेफिनेटली वहां पे फाइनल GLSL की टीम देता हूं। और दोस्तों जो आज का मैच हम कवर कर रहे हैं इस मैच की भी GLSL की टीम आपको टेलीग्राम में ही देने वाला हूं, तो जरूर जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब चलते हैं दोस्तों इस मैच का एनालिसिस देखते हैं। तो दोस्तों एलेविस और एथलेटिको मैड्रिड, एलेविस की बात करें दोस्तों ये प्रीमियर लीग सॉरी ललीगा का ये मिड टेबल की टीम है, यानी कि ना ज़्यादा इनका परफॉर्मेंस अच्छा है और ना ही ज़्यादा खराब है, एवरेज परफॉर्मर है। एथलेटिको मैड्रिड दोस्तों आप जानते हैं वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स में इनका नाम आता है और इस सीजन अच्छा कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया क्लैश होगी। और एलेविस के घर में मैच है, आज रात 11:30 PM पे मैच शुरू होने वाला है। अब यहाँ पॉइंट्स टेबल देखिए, अभी फिलहाल एथलेटिको मैड्रिड की फॉर्म थोड़ी नीचे आई है और ये 5वें पोजीशन में 19 पॉइंट के साथ। वहीं एलेविस देखिए जिनका नाम डेप्रोटिवो एलेविस है तो ये 13वें पोजीशन में 11 पॉइंट के साथ। तो 20 टीम्स होती है उसमें 13th में एलेविस है और टॉप 5 में एथलेटिको मैड्रिड है, मतलब टॉप 4 में, टॉप 2 में कह लीजिए दोस्तों सभी के 19 पॉइंट्स हैं टॉप जो 4 टीम्स हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा गोल डिफरेंस की वजह से एथलेटिको मैड्रिड नीचे है, तो मैच बहुत बढ़िया हो जाएगा वाला है। और लास्ट 4 रिजल्ट देखते हैं दोनों टीम के। एलेविस ने बिगलाडो के साथ 0-0 ड्रॉ खेला है, उसके बाद अपने घर में 1-0 से बिलबाओ से आ रहे हैं, फिर 2-0 से अपने घर में कैल्टा को हराया, सेल्टा वीगो को, फिर पिछले मैच में 4-1 से विलरियाल से हारे। तो यानी कि अपने घर में एक मैच हारे हैं तो एक मैच जीते भी हैं, बाकी पिछले मैच में भी है बड़ी हार करके आ रहे हैं, 4 गोल खा दिए थे। अब एथलेटिको मैड्रिड के लास्ट 4 रिजल्ट देखे, 0-0 ड्रॉ वॉलीडलीट से खेला है, 1-1 ड्रॉ वेलेंसिया से खेला है, 1-0 बायर लेवरकुसन को हराया और 2-0 बिलबाओ को हराया, पिछले दोनों जीते हैं। और दोस्तों एथलेटिको मैड्रिड की एक खासियत है इनका डिफेंस हमेशा सॉलिड रहता है, ज़्यादा गोल्स ये कंसीड नहीं करते हैं और दोस्तों साथ ही उतने ज़्यादा गोल्स भी स्कोर नहीं करते, इनके लगभग लो मार्जिन्स के गेम ज़्यादा होते हैं, तो आज भी एक ऐसी पॉसिबिलिटी है। अब दोस्तों लास्ट 3 मैचेस देखे दोनों टीम्स के, तो एथलेटिको मैड्रिड यहाँ पे देखिए सॉरी लास्ट 5 मैचेस हैं, तो यहाँ पे इन दोनों टीमों के बीच जो है एथलेटिको मैड्रिड 4 जीते और 1 ड्रॉ रहा है, यानी कि पिछले 5 मैचों में एक भी बार एलेविस नहीं हरा पाई है एथलेटिको मैड्रिड को, तो एक मॉरल बूस्ट वैसे ही होगा एथलेटिको मैड्रिड के फेवर में। अब एलेविस से इली आज के मैच में बाहर है, एथलेटिको से 3 मेन प्लेयर्स फेलिक्स और इनके 2 सेंटर बैक्स जिमिनेज और सेविक, ये तीनों आज का मैच नहीं खेलने वाले, तो ये बहुत बड़ा झटका है। तो आज जो सेकंड चॉइस सेंटर बैक्स है वो खेलेंगे। आप प्रोबेबल लाइनअप देखते हैं दोनों टीम्स के, एलेविस खेलती है 4-4-2 की फॉर्मेशन से, 25 इनके गोलकीपर हैं, बाकी इनके 4 जो फुल बैक्स खेलते हैं मार्टिन खेलते हैं, एग्वेरो बलिया, बाकी लगउडिया खेलते हैं, मैगालान खेलते हैं और डुआटे खेलते हैं। अब दोस्तों जो डुआटे और ये है ये थोड़े अटैकिंग है लेकिन आज ये थोड़े डिफेंसिव खेलेंगे, क्योंकि जो एथलेटिको मैड्रिड के विंग्स में अच्छे परफॉर्मर है तो बाकी इन दोनों के थोड़े पासेस आएंगे। और दोस्तों ये मैगेलेन है जो ये हेडर्स में भी अच्छे हैं, बाकी यहाँ पे खेलेंगे सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड में गार्सिया और वकासो मुबारक। अब दोस्तों ये 4 प्लेयर्स बनाएंगे पासेस, थोड़े गार्सिया अटैकिंग है कभी कभी असिस्ट दे देते हैं। और दोस्तों एलेक्स विडल और ओलिवर बल्की विंग्स में खेलेंगे, एलेक्स विडल पहले बारसा से खेलते थे और काफ़ी गोल्स असिस्ट करते हैं खासतौर पर असिस्ट, ओलिवर बल्की इंग्लैंड से आए दोस्तों बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस ये भी कर रहे हैं, काफ़ी पेसी भी है, तो असिस्ट ज़्यादातर ये दोनों प्लेयर्स करते हैं, गोल्स अभी इनके सीजन आए नहीं होते। अब इनके जो स्टार स्ट्राइकर्स हैं 2 होसेलू और लूकास परेज, ये दोनों इनके मेन प्लेयर्स हैं, खासतौर पर लूकास परेज बहुत ज़्यादा गोल कर रहे हैं सीजन और इनके पेनल्टी टेकर भी है, वेस्ट हैम से आए और होसेलू न्यूकासल से आए, तो ये दोनों इनके मस्ट पिक प्लेयर में कहूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 4-4-2 की फॉर्मेशन से एथलेटिको मैड्रिड खेलती है, यान ओब्लैक इनके गोलकीपर है, वर्ल्ड बेस्टमैन का नाम आता है, ट्रिपियर और लेनन लोदी इनके फुलबैक्स और दोनों बहुत अटैकिंग है, खासतौर पर ट्रिपियर बहुत ज़्यादा असिस्ट करते हैं, लोडी भी काफ़ी अटैकिंग है। और दोस्तों मारियो हरमोसो और फिलिपे मोंटेरा खेलेंगे इनके सेंटर बैक पोजीशन में और इन दोनों के बहुत से पासेस आएंगे, साथ में थॉमस पार्टी के साथ जो कि डिफेंसिव मिडफील्ड में खेलते हैं। और दोस्तों थॉमस पार्टी लॉन्ग रेंज शूट करते हैं, कभी भी गोल्स कर सकते हैं लॉन्ग रेंज शूट से। साउल निग्वेस थोड़ा अटैकिंग खेलेंगे और लास्ट कुछ मैचेस में गोल स्कोर कर रहे हैं, तो एक मस्ट पिक प्लेयर भी ये रह सकते हैं, असिस्ट भी कर रहे हैं, तो एक अच्छी चॉइस होंगे। कोकेन के कैप्टन ने जो एक कॉर्नर लेते हैं, फ्री किक लेते हैं, तो ये भी एक बहुत बढ़िया चॉइस होंगे और गोल असिस्ट करते हैं। थॉमस लेगबार लेफ्ट मिडफील्ड में खेलते हैं और ये भी असिस्ट गोल कर सकते हैं, बाकी जो इनके 2 सेंटर फॉरवर्ड रहेंगे मोराता और डियागो कोस्टा, ये दोनों इनके मेन प्लेयर्स हैं। अब जो कोस्टा है दोस्तों लास्ट टाइम जब पेनल्टी हुई थी तो इन्होंने ली थी, हालांकि उतनी अच्छी फॉर्म चल नहीं रही है लेकिन आज पूरा फॉर्म में आ सकते हैं और मोराता बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं।
अब ये टॉप गोल स्कोरर देखते हैं सीजन, ये स्टेट्स आपको टीम बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो इनको देखिए, एलेविस से अभी तक ज़्यादा गोल पड़े नहीं, 8 गोल पड़े हैं जिसमें 4 लूकस परेज के, 3 जोसेलू के और 1 मैगलान का है। अब यहाँ पे असिस्ट में एलेक्स वीडल के 2 असिस्ट है, लूकस परेज और बर्की का एक एक असिस्ट है। अब एटलेटिको से भी इतने ज़्यादा गोल्स नहीं पड़े हैं, कोस्टा मोराता विटोलो के 2-2 हैं, फिलिक्स के 2 है, तो ये आज ये बाहर है। फिर साउल निग्वेज और थॉमस का एक एक गोल है। असिस्ट में कोरिया के 2 असिस्ट, अगर कोरिया खेले तो ये भी मस्ट पिक रहेंगे। कोस्टा, लोदी, ट्रिपियर, कोके और फेलिक्स का एक एक असिस्ट है। तो फिलहाल फेलिक्स इंजर्ड है, बाकी प्लेयर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों आप इस स्टेट्स का रख लीजिए स्क्रीनशॉट, छोटे से स्टेट्स है टीम बनाते टाइम काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर जो मैं आपको दोनों टीम से रिकमेंड करूंगा, एलेविस से लुकस परेज, होसेलू, ये टॉप 2 प्लेयर्स हैं। बाकी एलेक्स विडल और बर्की, ये कुछ प्लेयर मैं रिकमेंड करूंगा। एटलेटिको से मोराता, कोस्टा तो मेन पिक रहेंगे आपकी, फिर कोके, साउल निग्वेज, ट्रिपियर और लोडी। अब दोस्तों मेरे प्रिडिक्शन है 2-1 एटलेटिको मैड्रिड। यहाँ पे मैं एटलेटिको मैड्रिड के डिफेंस को फेवर कर रहा हूँ, तो मुझे लग नहीं रहा कि एलेविस उनको हरा पाएगी, और एटलेटिको मैड्रिड अटैकिंग भी अच्छी है। दूसरी प्रिडिक्शन है मेरी जो 1-0 एटलेटिको मैड्रिड वाली। तो दोस्तों दोनों में मैं एटलेटिको को फेवर कर रहा हूँ। अब आपको जीएल में 0-0 की टीम मस्ट देनी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लो स्कोरिंग ड्रॉस होते हैं एटलेटिको मैड्रिड के बहुत ज़्यादा, तो 0-0 की टीम वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। साथ ही दोस्तों आपको एक 1-0 एलेविस की टीम भी देनी है। फिलहाल ये दो टीम्स अगर आपको नहीं बनानी आती तो मैं आपको टेलीग्राम में दूंगा फाइनल अपनी जीएल की 6 टीम्स और 2 एसएल की टीम्स, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। अभी फिलहाल मैंने जो 2 टेमो टीम्स बनाई है उनको मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों जो मैंने 2 टीम्स बनाई, दोनों मेरी प्रिडिक्शन 1-0 एटलेटिको या 2-1 एटलेटिको वाली है, जिसमें एटलेटिको मैड्रिड स्कोर करेगी और जीतेगी। दोनों जगह मैंने एटलेटिको के साथ साथ प्लेयर्स लिया। पहली टीम मैंने थोड़ी डिफेंसिव सॉलिड बनाई है, जो क्लीन शीट के पर्पज में 1-0 में काम आएगी। 4 एटलेटिको के डिफेंडर्स ले लिए, बाकी इनके 3 मेन अटैकर्स ले लिए। और अब दोस्तों यहाँ से मैंने लूकस परेज के साथ इनके 2 मेन अटैकर्स बर्की और विडाल भी ले लिए हैं। अब मैं आपको इसमें कुछ चेंजेस बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर आप एटलेटिको क्लीन शीट के साथ जा रहे हैं तो आप गोलकीपर सेक्शन और डिफेंडिंग सेक्शन में मत छेड़िएगा। वैसे यहाँ पे ट्रिपियर के बदले अगर दोस्तों कोई और खेलते हैं, जैसे कि आज रूमर्स थोड़े बहुत आ रहे हैं कि सेंटियागो एरियास खेल सकते हैं, तो आप इनको ले सकते हैं। बाकी मुझे लग नहीं रहा कि हरमोसो, मोंटेरो और लोडी के अलावा और कोई खेलेगा, तो ये 4 ही लीजिएगा। अब बर्की और विडल दोनों अटैकिंग प्लेयर है एलेविस से, तो दोनों मैंने ले लिया। और कोके ले लिया, आप कोके के प्लेस में साउल निग्वेज ले सकते हैं, थोड़ा सिलेक्शन ज़्यादा है क्योंकि लास्ट 2 मैचेस में गोल मारे जिसमें ड्रीम इलेवन ने कवर करें, तो यहाँ इनके पॉइंट ज़्यादा है, इसलिए मोस्टली बंदों ने ये लिया और इन्हीं के साथ जाएंगे, तो आप इनको ले सकते हैं। नहीं तो आपके पास थॉमस लेवार के अलावा दोस्तों एक थॉमस पार्टी है, ये डिफेंसिव मिडफील्डर है, पासेस बहुत बनेंगे और कभी गोल्स कर सकते हैं लॉन्ग रेंज से, तो इनके साथ भी जा सकते हैं। बाकी और कुछ है नहीं। अब दोस्तों यहाँ से आपके पास एक और ऑप्शन है, यहाँ से अगर आपको ये खेलते हुए दिखते हैं विटोलो, तो ये भी विंग्स में खेलते हैं, बहुत बढ़िया ऑप्शन है, गोल्स करते हैं, तो इनके भी ले सकते हैं। और मनु गार्सिया एक दोस्तों इनके लिए आपका यहाँ से एलेविस से ऑप्शन है। अगर आप दोस्तों यहाँ पे बर्की को हटाते हैं, या विडल को तो मत हटाइएगा, अगर आप बर्की को हटाते हैं तो आप यहाँ से मनु गार्सिया ले सकते हैं। बाकी दोस्तों फॉरवर्ड लाइन से मैंने लूकस परे, डियागो कोस्टा और मोराता ले लिए। अब यहाँ जो मैंने प्लेयर नहीं लिया है वो है जोसेलू, क्योंकि 3 ही स्ट्राइकर लेने का था, तो आप फिलहाल दोस्तों यहाँ पे परेज के प्लेस में जोसेलू ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों परेज के पास एक इस चीज़ का है कि ये उनके पेनल्टी टेकर है एलविस के, तो आप परेज को ही जाइएगा। बाकी 4 गोल्स इनके हैं, तो 3 गोल जोसेलू के भी है। बाकी मैंने कोस्टा और मोराता दोनों ले लिए। अगर कोस्टा नहीं खेले फिर दोस्तों यहाँ से कोरिया खेलेंगे, तो आप कोरिया ले लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों मुझे लग रहा है कोस्टा ही खेलने वाले हैं। तो ये है मेरी पहली टीम, यहाँ मैंने कैप्टन भी कोस्टा किया, वाइस कैप्टन मोराता किया। आप इसका रिवर्स कर सकते हैं, कोस्टा को वाइस कैप्टन करके मोराता को कैप्टन कर सकते हैं। दूसरी टीम में दिखाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ मैं थोड़ा अटैकिंग चली गया, डिफेंडर्स मैंने 3 कर दिया, और यहाँ मैं एक अटैकर एक्स्ट्रा ले गया, साउल निग्वेज, मोराता, कोस्टा और यहाँ मैंने थॉमस पार्टी भी ऐड कर लिया। बाकी यहाँ से मैंने वकासो, एलेक्स विडल और लूकस परेज ले लिए। अब यहाँ मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन कर दिया रिवर्स, मोराता कैप्टन, वाइस कैप्टन कोस्टा। आपके पास ट्रिपियर भी वाइस कैप्टन का अच्छा ऑप्शन है, या मोस्टली बंदे आप निग्वेज को भी वाइस कैप्टन कर सकते हैं, तो ये एक सेफ चॉइस रहेंगे वाइस कैप्टन की। तो दोस्तों ये थी 2 टीम्स, फाइनल टीम जो भी होगी वो मिलेगी टेलीग्राम में 2 एसएल की, और 5-6 जीएल टीम भी आपको टेलीग्राम में मिलेगी, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी जीएल जीतने में या अच्छी रैंक लाने में। तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और जो मैचेस वीडियो यहाँ चैनल में कवर नहीं होता वो भी टेलीग्राम में कवर होता है, वहाँ फाइनल टीम टिप से मिलते हैं, तो फिर आपका जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।